एक्शन और थ्रिलर से भरपूर है फिल्म का टीजर। अगर बात करें फिल्म साहू की तो वो 15 अगस्त को रिलीज हो रही है और छुट्टी का दिन है तो मुझे तो लगता है कि बॉक्स ऑफिस पर धमाल ही करेगी। बाहुबली से फैंस का दिल जीतने वाले साउथ के सुपरस्टार प्रभास अब बॉलीवुड में भी एंट्री के लिए तैयार हैं। 15 अगस्त 2019 को रिलीज होने वाली है मोस्ट अवेटेड फिल्म साहू। आपको बता दें प्रभास और श्रद्धा कपूर की फिल्म साहू का टीजर आज रिलीज हो गया है और टीजर देखते ही वो मैं क्या बताऊं आपको, मैं तो बहुत एक्साइटेड थी टीजर के लिए। जैसे कि श्रद्धा कपूर का 2-3 दिन पहले लुक भी आया था, फर्स्ट लुक आया था और उससे पहले प्रभास का भी लुक आउट हुआ था, तो उसको देखने के लिए, टीजर को देखने के लिए तो हम बहुत एक्साइटेड थे। अगर बात करें टीजर की तो टीजर में प्रभास का लुक बहुत ही इंटेंस लग रहा है और श्रद्धा कपूर बहुत इनोसेंट लग रही है, बिकॉज श्रद्धा कपूर प्रभास के साथ पहली बार काम कर रही है। मुझे तो टीजर में डायलॉग बहुत पसंद आया है जिसमें फाइटिंग के टाइम प्रभास से पूछती है श्रद्धा कि ये कौन है आपके, तो वो बोलते हैं कि ये मेरे फैंस हैं, तो वो फिर पूछती हैं ये फैंस आपको मार क्यों रहे हैं, ये मारने क्यों आए, आपके पीछे क्यों पड़े हैं, तो वो बोलते हैं मेरे डाई हार्ट फैंस हैं। तो जो लुक था ना प्रभास को, माई गॉड, वो तो सीरियसली बहुत ही अलग था और बहुत क्यूट लग रही हैं इसमें श्रद्धा कपूर। वैसे आपको बता दें प्रभास और श्रद्धा कपूर के कुछ दिन पहले पोस्टर्स भी रिलीज हुए फिल्म साहू से और पोस्टर्स देखने के बाद तो फैंस को इतना एक्साइटमेंट था टीजर और ट्रेलर के लिए, तो टीजर तो अभी आ गया है, अब हमें वेट है ट्रेलर का। जैसे कि बात करें टीजर की तो उसमें VFX देखा जाए तो VFX बहुत ज़्यादा है, VFX का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है उसमें और बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, मतलब ऐसा लग रहा है और मुझे लगता है कि शायद बाहुबली को टक्कर दे पाएगी। अभी तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो बाहुबली को टक्कर दे पाती है कि नहीं, क्योंकि टीजर के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो वो लग रहा है कि हाँ बाहुबली को टक्कर दे सकती है। अगर बात करें प्रभास की तो प्रभास का जब से नया पोस्टर रिलीज हुआ था तो फैंस को बहुत एक्साइटमेंट था टीजर के लिए, और वहीं श्रद्धा कपूर का भी, श्रद्धा कपूर का जो इस बार लुक आया था उसमें वो एक गन लेकर हाथ में है, मतलब एक बंदूक ली हुई है उन्होंने हाथ में और ऐसा एक्शन वाला उनका लुक लग रहा था। साउथ फिल्म की बात करें तो श्रद्धा कपूर और प्रभास के अलावा नील नितिन मुकेश, जैकी श्रॉफ, मंदिरा बेदी, महेश मांजेकर, चंकी पांडे, अरुण विजय और मुरली शर्मा एंटरटेनमेंट का तड़का लगाते हुए नजर आएंगे। गुलशन कुमार की टी सीरीज और भूषण कुमार और यूवी क्रिएशन प्रोडक्शन के बैनर तले आ रही है फिल्म साहू। आपको बता दें सुजीत ने इसको डायरेक्ट किया है। अगर बात करें डायरेक्शन की तो टीजर में लग रहा है कि हाँ सुजीत ने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है। वैसे बाहुबली के बाद ये प्रभास की दूसरी फिल्म है जिसका फैंस को बहुत एक्साइटमेंट है। वैसे इसमें प्रभास और श्रद्धा कपूर की अलग ही जोड़ी और फैंस बहुत एक्साइटेड है प्रभास और श्रद्धा कपूर की एक्शन अवतार को देखने के लिए। वैसे बात करें श्रद्धा कपूर की तो आशिकी 2 से बॉलीवुड में कदम रखने वाली श्रद्धा कपूर स्ट्रीट डांसर के बाद जल्द ही फिल्म साहू में भी नजर आएंगी। हाल ही में श्रद्धा कपूर का एक लुक भी आया था सामने जिसमें हाथ में बंदूक लिए खड़ी नजर आ रही थी श्रद्धा कपूर और साथ ही उनके चेहरे पर काफी गुस्सा दिखाई दे रहा था, ऐसे लग रहा था मानो फिल्म में श्रद्धा कपूर का किरदार काफी गंभीर है। टीजर में इतना ही नहीं, बाइक पर प्रभास के स्टाइलिश लुक ने एक्शन लवर्स को अभी से एक्साइटमेंट कर दिया है। मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक साहू में सुपरस्टार प्रभास अपने एक्शन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे बता दें कि साहू फिल्म को हिंदी, तमिल और तेलुगु 3 भाषाओं में शूट किया जा रहा है। तो श्रद्धा कपूर और प्रभास की फिल्म साहू का टीजर तो एक्शन से भरपूर है, अब बस ट्रेलर का इंतजार है। वैसे आपको कैसा लग रहा है टीजर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और बॉलीवुड टशन को सब्सक्राइब करिए।